हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, जोधपुर में जितने मंदिर राजाओं ने नहीं बनवाए, उनसे कहीं ज्यादा मंदिर महारानियों और पासवानों द्वारा ही बनवाए गए हैं। जोधपुर के कुंज बिहारी जी मंदिर, तीजा मांझी का मंदिर, राज रणछोड़ जी मंदिर आदि प्रसिद्ध भगवान कृष्ण के मंदिर महारानियों और पासवानों द्वारा ही बनवाए गए हैं। ये सभी कृष्ण मंदिर आज लाखों भक्तों की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। जोधपुर के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में शामिल एक मंदिर है नैनी बाई का मंदिर या श्री रसिक बिहारी जी का मंदिर। भक्तों, नैनी बाई मंदिर में एक दक्षिणामुखी विघ्नेश्वर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ और मूषक की अनुपम अखंड प्रतिमा प्रतिष्ठित है। भक्तों, रसिक बिहारी मंदिर परिसर में शिव परिवार, राम परिवार, भगवान सूर्य और उनका रथ भी विराजमान है। यहाँ पर जैसलमेर के पत्थर से बनी हुई हनुमान जी महाराज की अद्भुत व अद्वितीय मूर्ति प्रतिष्ठित है। ऐसी मूर्ति का दर्शन कहीं अन्यत्र नहीं मिलता। भक्तों, रसिक बिहारी मंदिर में ब्याह, पुत्र, यश, कीर्ति, धन और दौलत आदि की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ जो भी अपनी इच्छा लेकर आता है, उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। कहा जाता है कि यहाँ मांगने से मुंह मांगी मुराद मिलती है। भक्तों, रसिक बिहारी मंदिर में पूजा व आरती का समय बदलते हुए मौसम पर निर्धारित है। जहाँ गर्मी के दिनों में सुबह की पूजा 6:30 बजे से 7 बजे तक एवं शाम की पूजा 7:45 बजे से शाम 7:30 बजे तक, तो वहीं सर्दियों के दिनों में सुबह की पूजा 7:30 बजे से 7:30 बजे तक तथा शाम की पूजा 7:45 बजे से शाम 7:30 बजे तक होती है। इसलिए आप जब भी इस मंदिर में दर्शन करने जाएं, तो समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, नैनीबाई मंदिर में जन्माष्टमी, अन्नकूट व श्रावण मास के अवसर पर झूलन उत्सव का आयोजन होता है। श्रावण मास के इस अवसर पर ठाकुर जी विशाल चांदी के झूले में विराजमान होते हैं। भक्तगण मुदित मन से झूला झूलते भगवान का दर्शन और पूजन करते हैं। भक्तों, अगर आप जोधपुर में नैनीबाई मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। सर्दियों का मौसम इस शहर की यात्रा का सबसे अनुकूल समय है। भक्तों, अगर आप नैनीबाई मंदिर पहुंचकर श्री राधा कृष्ण के दर्शन, पूजन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।